ये कोई तबेला नहीं है और ना ही खेत है। ये है देश के सबसे बड़े राज्य यूपी का प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, जहां बड़ी बड़ी घास उगी है, गाय विचरती नजर आ रही है, जंगली जानवर आराम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई इससे इतर है। कोरोना काल में जहां लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, अस्पताल में जगह न होने की वजह से लोग कोरोना वायरस से दम तोड़ रहे हैं। इतनी भयावह स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। सिर्फ इतना ही नहीं, एम्बुलेंस भी खड़े खड़े कंडम हो रही है, लेकिन जिला स्वास्थ्य विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। गांव का हाल इतना बुरा है कि लोग इलाज कराने के लिए दूर दराज के इलाकों में जा रहे हैं, लेकिन गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी बर्बादी की वानगी खुद दिखा रहा है। जब इस बारे में प्राथमिक चिकित्सा प्रभारी से बात की गई, तो उनका जवाब सुनकर ऐसा लगा कि ये तो गंभीर विषय ही नहीं है। बड़े आराम से उन्होंने कर्मचारियों को बचाव भी किया और घास हटवाने का आश्वासन भी दिया। गाड़ी में भूसा रखा होगा, गाय तो नहीं बांधी होगी। गाय भी है, गाय हमारे पास वीडियो है। गाय उसमें उधर वार्ड बॉय हमारे रहते हैं, बात दिया गया वैसी विवादित बिल्डिंग है, अगर ऐसा है तो उसको हटा दिया जाएगा। दूसरी चीज़ गाजा का पेड़ भी है। कुछ ऐसा नहीं, गाजा का पेड़ का कोई तथ्य नहीं है, ऐसे जम गया होगा। गाय रखे होंगे तो थोड़ा बहुत अपना गोठा के लिए उपला पा दिए होंगे। हॉस्पिटल में पास नहीं, हॉस्पिटल में नहीं पा सकते, पीछे आप लोग बात का इशू बनाइए तो बात अलग है। इशू नहीं बना रहे सर, बिल्कुल इशू बना रहे हैं, जबरदस्ती आप लोग कर रहे हैं। और दूसरा एक जो आपका आपके अंडर में पई हेल्थ सेंटर है, वो क्या बेडरूम है क्या, वहाँ सोते हैं लोग? सबसे पहले बात तो अभी आपको मालूम है कि 8 से 2 हमारे यहाँ हॉस्पिटल है। 2 बजे के बाद उसमें कर्मचारी अगर रह रहा है, अगर वो आराम कर रहा अपने रूम में, तो कौन सा गलती कर दिया? हॉस्पिटल के रूम में आराम करेगा वो? हॉस्पिटल के अंदर ही रूम खाली है, उसमें रहता है 24 घंटा वो, और 8 से 2 अस्पताल है, तो 2 बजे के बाद अगर ड्रेसिंग रूम है, अरे बेडरूम बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे रूम अंदर है उसमें वो रहता है, और 2 बजे के बाद अस्पताल के बाद अगर अपने रूम में आराम कर रहा है तो कौन सा गलती कर दिया? एक तरफ जहाँ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जमीन स्तर पर कोरोना को रोकने के लिए लगातार कार्य कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रितेश कुमार जैसे चिकित्सा प्रभारी सीएम योगी की मेहनत पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। चंदौली के बरहनी स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी रितेश कुमार पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंदौली से प्रदीप की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।